और राजधानी झारखंड की राजधानी रांची से जहां के दलदली इलाके में अज्ञात हमलावरों ने स्थानीय सीपीआईएम के नेता सुभाष मुंडा की गोली मारकर हत्या कर दी। अपराधियों ने रांची के दलदली चौक पर बुधवार देर शाम इस वारदात को अंजाम दिया। ये घटना अंजाम जब दी गई जब सीपीआईएम के नेता सुभाष अपने दफ्तर में मौजूद थे। घटना के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने इलाके की दुकानों में तोड़फोड़ की और सड़क को जाम कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे रांची के एसएसपी किशोर कौशल ने यह बताया कि मामले में एसआईटी का गठन किया गया और सभी पहलुओं और सभी स्तरों पर इस मामले की जांच की जाए। जल्दी मामले को सुलझा लेने का दावा उनकी ओर से किया गया। सुभाष मुंडा हटिया सीट से दो बार विधानसभा चुनाव और मांडर निर्वाचन क्षेत्र से उपचुनाव लड़ चुके हैं। सीपीआईएम नेता की हत्या के विरोध में देर रात तक प्रदर्शन लगातार होता रहा। मुंडा पार्टी की राज्य समिति के सदस्य भी थे, लिहाजा कार्यकर्ता उनकी मौत के बाद जमकर हंगामा करते हुए दिखाई दिए।